महाज्योति संस्था को अनुदान देने की मांग करते हुए ओबीसी नेता गोपीचंद पटाड़कर इन्होंने पत्रकार परिषद के दरमियान महाविकास आघाड़ी की सरकार पर विविध मुद्दों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। गोपीचंद पटाड़कर द्वारा नागपुर में पत्र परिषद लेकर ओबीसी के मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही उन्होंने ओबीसी की समस्याओं को भी साझा किया। उन्होंने कहा, जिस तरह बाल्टी और सारथी संस्था को निधि दिया जा रहा है, वैसे ही निधि महाज्योति को भी दिया जाए, ताकि ओबीसी के छात्रों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। साथ ही पटाड़कर इन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ घोषणा ना करे, उन पर अमल भी किया जाए। इसके साथ ही पटाड़कर ने महाज्योति को 500 करोड़ का निधि देने की भी मांग की है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। लक्ष्य देना गरजेचं आहे, मुळामध्ये 380 कोटी मागच्या सरकारने धरले, परंतु यांनी कुठलाच त्यामध्ये खर्च केला नाही। पुण्यातून ऑफिस फक्त नागपूरला आणलं, नागपूरला आणण्याबद्दल कुठलंच गुमत नाही, पण इथं तुमच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरच्या काही मीटिंग झाल्या का? हे ऑफिस राज्यातल्या किती लोकांना माहित आहे? तुमच्या साईटवरती साधा तुम्ही कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला नाही। विद्यार्थ्यांनी संपर्क नेमका कुणाला करायचा? काही त्यांच्या मनामध्ये प्रश्न असतील, त्यांच्या मनामध्ये काही भावना असतील, काही विचारायचं असेल, तर वेबसाईटवरती फक्त नुसतं माहिती दिल्या, त्याच्या पलीकडे तुम्ही काही केलेलं नाही। या विषयावरती या राज्य सरकारनं सिरियसपणे बघणं गरजेचं आहे। महाज्योतीला 500 कोटी रुपयाचा निधी, मी तर सभागृहामध्ये 10,000 कोटीची मागणी केली होती।